हैं वर्दीधारी लोग बैठ करके कि सुपरविजन की बातें करते हैं। जब चांदनी ने इस दुनिया से अलविदा कही थी उस वक्त उसने बयान भी दी थी, महिला प्रशासन आके उनका बयान भी लिया था, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि लिपापोती कर रही है लोगों, प्रशासन यहाँ पे जुडिशियल जज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह दूं कि पाप का अंत अब होगा। देख सकते हैं ये पिता है उसी चांदनी चंद्रा की, जो हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का ऑपरेशन करवा के अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अरे जागो, जिस देश में नारी सशक्तिकरण की बात होती है नारी रोज बलि चढ़ती है, कहाँ पे नारी सशक्त हुई हमको बताइए। आखिर जुडिशियल जज को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आखिर उसके घर के ऊपर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चली, क्यों नहीं छापेमारी हुई, क्यों नहीं उसकी अरेस्टिंग हो रही है, आखिर किसकी हस्तक्षेप से ये बात रुकी हुई है, किसकी वहाँ पे दबाव बनाई जा रही है जो मुद्दा को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं कि लोग जागरूक है, मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्या है और संविधान अभी जिंदा है, संविधान को हम मानते हैं, मुझे न्यायालय पर भरोसा है, मुझे ये भी पता है कि हमारी चांदनी को न्याय मिलेगी और वो वो जो दरिंदा है वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे जाएगा और बलि चढ़ेगा। पुलिस को तो इसमें नजीर पेश करना चाहिए कि अपराधी कोई हो, वो जज हो, बड़ा सा बड़ा नेता हो, इसमें करना चाहिए कहा, उसको फुर्सत का है शराबबंदी को रोकने से, उसको फुर्सत का है? आप देख रहे हैं प्रशासन अपनी काम कर रहे हैं अच्छे से, वो तो सिर्फ और सिर्फ वर्दी पहन के बड़े बड़े नेताओं की तलवा चाटने में लगे हुए हैं, वो लोगों की कोई पीड़ा को उसके अंदर दर्द मर चुका है, उसके अंदर दर्द नाम का कोई चीज नहीं है। आज पूरा परिवार आज रोड पे बैठा है, धरने पे बैठा है अपनी बेटी की, अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए। वो दरिंदा अभी भी फरार है, जिंदा है, आज चांदनी की कातिल जिंदा है और प्रशासन को जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए वो हाथ पे हाथ रख करके कुर्सी पे बैठे हुए हैं। सवाल और मेन स्ट्रीम मीडिया को आप किस नजर से देख रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे को उठाते नहीं है? नेशनल मीडिया मरा हुआ है, बिकाऊ है वो, बिल्कुल बिकाऊ है वो, उसको जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए बात नहीं करते। धन्यवाद तो आप तमाम यूट्यूबर को, धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु को जो कम से कम इन मुद्दों को जगाते तो हैं, इस मुद्दे को कंटिन्यू तो करते हैं। आज नेशनल मीडिया में बैठने के बाद जब उनको लगता है इस मीडिया में इस मुद्दे में हमको TRP मिलेगी, तब जा करके अपने उस SC में बैठ करके मुद्दे को चलाने का काम करते हैं, वो भी 1 सेकेंड 1 मिनट। धन्यवाद आप सभी का जो कम से कम हर लोगों को न्याय तो मिल रही है आप लोगों के माध्यम से। नेशनल मीडिया तो बिकाऊ है, आप देख ही रहे कहाँ है मीडिया, कहाँ है देश का चौथा स्तंभ, खत्म हो चुका है, बिक चुका है सारा, जंजीर मिट गई है, उस लोगों की जमीर खत्म हो गई है। नहीं, वो दरिंदा है, जिस पोस्ट पे वो बैठा है लोगों को न्याय करने के लिए, जो अपने ही परिवार को बलि चढ़ा दे, अपनी पत्नी को बलि खुद चढ़ा दे, खुद उसको जान से मारने की साजिशें रचे, क्या वो न्याय कर सकता है लोगों की? बिल्कुल भी नहीं। वो दरिंदा था, दरिंदा है, दरिंदा ही रहेगा। बस हमारी मांगे हैं कि हमारी चांदनी को न्याय मिले और वो दरिंदा जेल के अंदर जाए और उसके जो परिवार, जो सारे लोग मिल करके हमारी चांदनी को आज इस दुनिया से अलविदा कह दिया है, वो सारी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। और मैं उसकी घर की कुर्की जब्ती की मांग करती हूँ, SIT टीम की गठन की मांग करती हूँ और जुडिशियल जज पे फांसी की सजा की मांग करती हूँ। एक पिता अपने पुत्री के लिए सोचता है कि अच्छा से अच्छा हस्बैंड खोजे, मेरा दामाद अच्छा मैं कह दूँ कि ये पिता ने हर वो कर्तव्य पूरा किया अपनी बेटी के लिए, अच्छा सा अच्छा लड़का ने ढूंढा, जो एक वेल एजुकेशन शिक्षित था, वो पढ़ा लिखा आदमी एक पद पे बैठा हुआ, कौन जान रहा था कि वो साला अंदर से दरिंदा निकलेगा, कौन जान रहा था, जान रहे थे कि मेरी बहन को लोग चबा जाएगा, खा जाएगा, इतना भूखड़ है वो लोग, कोई नहीं जान रहा था। ये पिता ने हर वो कर्तव्य पूरा किया अपनी बेटी के लिए, जो एक बेटी सपना देखती है कि मेरी शादी आएगी, मेरा राजकुमार आएगा और मुझे दुल्हन बना करके अपने घर को लेके जाएगा और मेरा पिता और हर वो ख्वाहिश को पूरा करेंगे। वो पिता, वो बहन, वो माँ ने हर एक ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन वो दरिंदा के बारे में किसी को पता नहीं था कि आखिर मेरी चांदनी को हम सभी से छीन लेगा या हम सभी को उससे दूर कर देगा। देखिए, प्रतीक की माँ और सिस्टर भी कहा गया है उसको टॉर्चर किया करती थी, उनको क्या बोल रही है? मैं वही कह रही हूँ कि ये कार्रवाई हो, उसके पूरे परिवार के ऊपर कार्रवाई हो, जिसके भी नाम दिया गया है उस सुपरविजन में, पहले तो एक भी नाम छटनी नहीं चाहिए और अभी तक सुपरविजन भी नहीं हुआ। आप ये देख लो, पहली तो बात,
दूसरी बात ये कि अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, उसके घर पे छापेमारी नहीं है, उसके घर को सीज नहीं किया गया है। आखिर कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं कह दूं कि जहां सत्य है ना, वो सत्य विजय होके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। हमारी चांदनी को न्याय मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि संविधान अभी जिंदा है।